तो भाई वीडियो को देखते रहो, ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे अभी आपको। तो नीचे हम जा रहे हैं सिटी में, ठीक है, तो वॉक करके जाएंगे। वैसे ये इतनी सोलो ट्रिप इतनी अच्छी होने वाली है ना सच में। तो फाइनली भाई हम स्टोन हेवन आ चुके हैं बहुत कोशिश करने के बाद, ठीक है। ये बोर्ड देख लो, ये सिटी देख लो, वहाँ हम जाएंगे, दिखाते हैं। ओके, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि जो है मेरी वीडियो को देखा, जबकि मैं इतनी वीडियो ऐसी ख़राब बनाता हूँ, इतनी वीडियो में मतलब इतना रिपीट करता हूँ वर्ड्स को, फिर भी तुम लोगों ने देखा, तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, जब मैं स्टोन हेवन उतरा वहाँ पर बस से, तो भाई बस में एक सोलो ट्रिप का ग्रुप आया हुआ था जिसमें कि वो लोग थे इंडियंस, ठीक है। और जब मैं उनसे मिला वहाँ पर, वीडियो बनानी स्टार्ट करी, तो उन लोगों से बातें हुई, और फिर वो लोग भी ऐसी प्लान करते हैं कि जो है सोलो ट्रिप पर जाए। तो यार दिखाते हैं इस वीडियो में, कुछ लोग साथ भी हैं मेरे, ठीक है, धीरे धीरे मिलते रहेंगे। और आज तुम्हारा भाई ना गाइड रहा है, ठीक है, तो सबको बता रहा है कि जो यहाँ पर क्या है कैसा है, मगर मुझे इतना पता नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़कर आया हूँ कि जो है स्टोन हेवन के बारे में कि क्या है यहाँ पर नया। तो भाई जो लोग मेरे साथ हैं उन्हें मैंने बताया कि एबरडीन कितनी सुंदर सिटी है, ठीक है, और एबरडीन से कितना यहाँ तक आने में टाइम लगता है। तो आपको भी बता देते हैं, एबरडीन से यहाँ तक बस आने में लगता है टाइम 45 मिनट्स, ठीक है, जो 201 की बस चलती है एबरडीन से, और वो यहाँ उतारती है। तो भाई ये है डेंजरस इलाका, ठीक है, वहाँ पर देख रहे हो लोग वहाँ घूम रहे हैं मगर हम जा नहीं सकते। ओके, तो भाई एक और बात यार, मैं चल रहा हूँ ना यहाँ पर, तो एक तो वॉइस इतनी ब्रेक हो रही थी मेरी हवा की वजह से, तो मुझे ऐसे वॉइस लगानी पड़ी पीछे से, ठीक है, मगर कोई बात नहीं, करते हैं। गाइज ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और इस वीडियो में बात करेंगे स्टोन हेवन के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। सामने है स्टोन हेवन जिसके लिए हमने इतना वेट करा, बट फाइनली मैं आ गया भाई इतना कोशिश करने के बाद, राइट। तो जब मैं यहाँ विजिट हुआ ना, और मैंने अपनी आंखों से देखा एक माउंटेन की शेप में उस पर एक रखा हुआ एक महल है, तो यार मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी चीज़ देखी, और सी साइड के वहाँ पर इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो भाई यहाँ से चलते हैं, अपने नीचे की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अब अपना कैमरा लेते हैं धीरे से, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को दे दिया था अपना कैमरा, और ये देखो धीरे धीरे हमने सीढ़ियों से नीचे जाते हुए और देखते हुए, कितना सही लग रहा है ना वैसे, इतना ब्यूटीफुल। तो स्टोन हेवन की हिस्ट्री बताते हैं। स्टोन हेवन का पुराना नाम क्लेवान था, जो पहले बोला जाता था भाई, और एबरडीन से कम 15 माइल्स दूर है। अगर बस से ट्रैवल करोगे तो 45 मिनट्स का रूट है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कार से करोगे तो सिर्फ 25 मिनट्स का रूट है जो आप कार से ड्राइव करके यहाँ पर तक आते हो, तो वो भी पार्किंग वहाँ पर रहता ही है। और सबसे मेन बात भाई, पॉपुलेशन भी सिर्फ इसकी 11,000 थी, जो यहाँ पर एबरडीन शहर में क्लेवान बोला जाता था। यार यहाँ से नज़ारा देख के पता है कैसा लग रहा था, जैसे बस यहाँ पर एक हाउस और अपना रह जाए, ठीक है,
तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है पहले ये बताओ। तो भाई मैं ये सोच रहा था कि यार मैं यहाँ तक आ तो गया मगर GoPro से कुछ बात बन नहीं रही थी। कैमरा होता ना तो बहुत अच्छा होता। ये देख रहे हो वहाँ पर क्या है? गुफा, इतनी छोटी सी। हाँ वही होल। तो भाई यहाँ से लड़ाई शुरू हुई और सीधा उधर से निकल गए उधर के उधर पार। ना बढ़िया चीज है। यार यहाँ पर सीन ये हुआ पता है, हम ऊपर चढ़े और चढ़ने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि बहुत जल्दी आ गए तुम लोग। और इतना चढ़ने के बाद यार हमने सोचा कि अब क्या करें, तो हमने फिर नीचे गए। ठीक है, हमने डिसाइड करा कि हम दोबारा से वापस आएंगे, मगर उन लोगों ने बोला कि आप लोग जल्दी आ गए हो, हम इतनी जल्दी एंट्री नहीं दे सकते थे मॉर्निंग में। यार इस इतनी मॉर्निंग में भी लोग पता है इतनी पब्लिक थी वहाँ पर, फिर भी बहुत। देखो एक इतना ओल्ड है ये स्टोन हेवन कि इसकी सिटी देख रहे हो आप, बहुत ओल्ड यार। यार तुम लोगों को एक बात तो बतानी भूल गया मैं कि भाई ये इतना पुराना है, ये 16 सेंचुरी का है ये कासल पता है। और यहाँ का नाम पता है क्या बोलते हैं? एक स्टोन हेवन तो बोलते ही हैं, स्टोन हाई वॉल बोलते हैं इसे। और सबसे ज़्यादा फेमस जो यहाँ का खाना है उसे बोलते हैं फिश एंड चिप्स। अगर भाई कोई भी यहाँ पर आता है स्कॉटलैंड में या कोई भी घूमने आ रहा है यहाँ पर, तो यार यहाँ पर फिश एंड चिप्स सबसे ज़्यादा फेमस है, वो जरूर खाना। गाइज इस वीडियो में धीरे धीरे मैं आपको बताता भी रहूँगा, साथ में मैं इस वीडियो में पूरा ऐड कर दूँगा बायो में और कि कहाँ पर कैसे कैसे आना है कहाँ जाना है। और साथ में मैं यहाँ पर अपने ऐड कर दूँगा वीडियो में मैप कि कौन सी बस चलती है किस रूट से जाना है आना है। ओके भाई अब हम जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, हमारा डिसाइड ये हुआ है कि हम यहाँ से सीधा वॉक करके जाएंगे सिटी साइड, जिससे कि सिर्फ 20 मिनट्स की वॉक है हमारी यहाँ से। अगर वहाँ पे ऊपर बस मिल गई हमें पुरानी वाली तो हम बस से निकल जाएंगे, वरना तो ऐसे ही चले आएंगे। ठीक है, तो आपको एक नज़ारा दिखाते हैं अपने पीछे से। देखोगे ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार कासल और सी साइड। कोई नहीं, धीरे धीरे बुलाएंगे आपको यहाँ पर, आना हो तो आ जाना भाई। और भाई जिसको भी कुछ भी पूछना है ना तो यार मेरे को टैक्स कर सकता है मेरे मेल पर या मेरे इंस्टाग्राम पर कहीं भी। ओके चलो एक और नज़ारा आपको दिखा दें, तो ये आपको यहाँ पर। तो भाई हम सिटी के ऐसे कॉर्नर पे खड़े हैं ना, हम इतने ऊपर से खड़े हैं कि वहाँ से आप देख सकते हो। ये देखो भाई ब्यूटीफुल कैसा लग रहा है भाई। तो यार ये है अपना यहाँ पर, इजी 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 भाई, यहाँ से गिरे तो मिलेंगे नहीं, सीधा अलग ही जाएंगे। तो यार बताना कैसा लग रहा है मेरे को, टेक्स्ट करना, कमेंट करना, सब चीज करना। और यार मेरे कुछ भी वर्ड्स रिपीट होते हैं तो यार मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि जो है थोड़ा नया नया तो यार गलती तो होगी यार। तो हम वहाँ जाएंगे नीचे। ओके
एक और चीज़ दिखाते हैं। तो भाई ये है एक बेंच, नहीं ये वाली नहीं, दूसरी वाली, सॉरी ये वाली। तो भाई ये देख रहे हो, ये बेंच है, कोई किसी का यहाँ पर हुआ होगा डेथ, ठीक है, और उसकी याद में यहाँ पर बना दिया है एक चेयर। तो लोग यहाँ पर आके बैठते हैं और यार हम लोग नीचे आ चुके हैं, ठीक है, तो वो लोग कुछ लेने गए हैं और मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यार देखो, मतलब लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड पता कितना ऐसे करते हैं, मंडे टू फ्राइडे अपना काम करा, सैटरडे संडे इवनिंग फ्राइडे नाइट अपना स्पेंड करा अपने बच्चों के साथ, अपना बीच पर आ गए, और ये पूरा ऑलरेडी सी साइड है, यू नो कि मतलब यहाँ से आप दूसरी सिटी पे भी जा सकते हैं बोट से, इतना ईजी है। तो यार यहाँ पर कुछ ओल्ड चीजें हैं जो इतनी अच्छे से इन लोगों ने डिजाइन कर दिया है, जैसे कि ये, तो ये यार एक छोटा सा लाइट हाउस है, मैं दिखाऊंगा इसे थोड़ा सा दूर जाकर, तो देखिए पता चलेगा कि ये कितना छोटा है, अभी दिखने में लग रहा है कि कितना बड़ा है। देख रहे हो आप किस तरीके से इन लोगों ने डिजाइन कर दिया है, ये देखो आप ना ब्यूटीफुल, मतलब इन लोगों का नेचर है ना अच्छे से बनाने का। हाँ पे एक इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज थी, ये देखो ये है नारियल, मतलब यार नारियल नहीं, मतलब इस पे ये लिखा था कि यहाँ पर आओ और यहाँ के व्यू को एंजॉय करो खाते पीते हुए। तो ये फिश थी जो यहाँ पर फेमस है, यहाँ से मतलब जो फिशर लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर फिशिंग करते हैं और यहाँ पर खा के अपना ईजी बैठ के व्यू का नजारा ले सकते। तो दूसरा है ये पायलट भाई साहब, पायलट भाई दिखाते हैं आपको। तो यार ये तीन लोग हैं, एक दूसरा दिखाते हैं कांगे भाई, सॉरी दो लोग हैं, हाँ दो लोग हैं ना, हाँ दूसरे ये रहे। तो इनका नाम है तो गाइस 1940 में ये लड़ाई चल रही थी, तो ये प्लेन वहाँ से बच कर आया था स्टोन हेवन में, और लैंड करने के बाद ये लोग यहाँ पर सेफ अपना रहे और यहीं दम दे दिया भाई, तो उनकी याद में है। दूसरा ये सिटी के कुछ नेम हैं यहाँ पर, स्ट्रीट के नेम, देखो कितना ब्यूटीफुल हाउस है, देखो देखो दिखाते हैं, वेलकम टू स्टोन हेवन, ये हाउस देखो आप। तो यार जो मैंने अभी आपको दिखाया ना उसके बारे में मैं आपको कैसे बताऊं, वहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं था, मगर वो भी एक डिजाइन था इनका कुछ अच्छा, ये देखो। तो यार ये एक शेप है, ठीक है, ये इस तरीके से डिजाइन करी गई है, ये किस तरीके से फिश को पकड़ते हैं स्ट्रेटजी से लगाया है, ठीक है, यहाँ पे ये कैप्टन है और ये देखते हैं कि कैसे कैसे पकड़ते हैं। अब ये आता है हमारा वाइकिंग पाथ, तो वाइकिंग पाथ तो यार समझ गए होगे कि पुराने ज़माने में मतलब ये लोग कैसे मतलब देखते थे रूट रूट ना, तो उस तरीके से इन लोगों ने डिज़ाइन कर दिया है, देखा भाई, बस देख लो आप ऐसे ही। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, देखो बताओ कौन है, पता चला कौन है, तो यार ये है स्पोंगी बॉब, समझ गए, कार्टून कैरेक्टर। तो ये भी एक शिप में थे हमारे, ये दूरबीन है जो बैठे हैं, तो बताओ भाई ऐसे ऐसे कैरेक्टर बना रखे कि लोग देख के ना उस। तो यार एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, देखो ये एक शिप है 1865 की, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंडी ब्राउन है
वो शिप में है और उनके कुछ पार्टनर है जिन्हें बोलते हैं यहाँ पर मेट, हर मेट और पॉल। ओके तो भाई देखो, रुको बताता हूँ मैं आराम से। तो ये मेट जो है उनका, उसने मारने की कोशिश करी एंडी ब्राउन को और वो मरे नहीं, मगर वो बच गए। और बचने के बाद वो अपनी शिप को लेकर आए स्टोन हेविन वापस, और लाने के बाद उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ चरण स्पर्श। मगर भाई उन लोगों ने बहुत मेहनत करके अपनी माँ से मिले, देखो भाई समझे कुछ ये होता है, माँ का दर्जा।